हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टी के आर ब्रदर्स में। मैं तेजस राज सिंह हूँ और आज मैं बाबा साहब के जीवन के बारे में दो शब्द बोलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक विश्व स्तरीय विधि वेदता, भारतीय संविधान के निर्माता यानी कि चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और करोड़ों शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और आदिवासियों को सम्माननीय जीवन देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। बाबा साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले गैर कांग्रेसी नेता थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू के एक आसपड़ोसी परिवार में हुआ था। न्यूयॉर्क के सर्वे के दौरान कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया था। आइए आपको इनके जीवन के बारे में कुछ तथ्य बताते हैं। जन्म तिथि 14 अप्रैल 1891 महू, मध्य प्रदेश, अब अंबेडकर नगर। अन्य नाम बाबा साहब, राष्ट्रीयता भारतीय। मृत्यु 6 दिसंबर 1956, इनकी मृत्यु केवल 65 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। पिता रामजी मालोजी सकपाल, माता भीमाबाई, पत्नी रमाबाई, इनका विवाह उनके साथ 1906 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1935 में हो गई थी। बाबा साहब की 6 डिग्रियां थी, मुंबई विश्वविद्यालय से बीए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए, पीएचडी, एलएलडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी, ग्रेजुएशन बैरिस्टर इन लॉ। बाबा साहब को जिन सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वे हैं बोधिसत्व 1956, भारत रत्न 1990, कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012। वे जिस सामाजिक संगठन के हिस्सा थे वे हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल। वे अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। उनका वास्तविक सरनेम अंबावडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो उन्हें बहुत मानते थे, ने उनका नाम स्कूल रिकॉर्ड्स में अपने नाम के अनुसार अंबेडकर कर दिया। बाबा साहब विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी अर्थात डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। दुनिया भर में बाबा साहब की सबसे ज्यादा प्रतिमाएं हैं। बाबा साहब की पहली प्रतिमा कोल्हापुर में बनी थी। बाबा साहब एकमात्र महापुरुष हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी बाबा साहब को जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले डॉक्टर अमर्त्य सेन भी बाबा साहब को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते थे। बाबा साहब ने 21 वर्ष तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई केवल 2 वर्ष 3 महीने में ही समाप्त कर दी थी। उनके 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक था, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्माकरण था। दुनिया भर में जितनी भी प्रतिमाएं बनी हैं, वे उन सभी प्रतिमाओं में गौतम बुद्ध की आंखें बंद थीं, लेकिन बाबा साहब ने जो पहली प्रतिमा बनाई थी उसमें गौतम बुद्ध की आंखें खुली थीं। डॉक्टर ऑफ साइंस नामक अनमोल पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहब विश्व के एकमात्र महापुरुष हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वे अब तक सफल नहीं हो पाए। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय में 50,000 से भी ज्यादा पुस्तकें हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई थी और उसमें बाबा साहब का नाम सर्वोच्च था। बाबा साहब द्वारा लिखी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक टेक्स्ट बुक है। वे कुल 64 विषयों में मास्टर थे और हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, गुजराती, मराठी, फर्शियन जैसी 9 भाषाओं के जानकार भी। साथ ही वे उनके पास 32 डिग्रियां भी थीं। महात्मा गांधी का मानना था कि वे 500 स्नातकों और 1000 विद्वानों में भी अधिक बुद्धिमान हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।